इससे पानी जाया भी नहीं। इससे क्या है कि एप्रोप्रिएट पानी मिल रहा है। ये भी पानी की पाइप है, इसको हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। इसमें हल्की हल्की बूंदें जो है, ये पानी नमी हो ताकि नुकसान भी ना हो। टेन्यू ठीक है हमारा साथ, चलो हमारा चोरी जाते हैं पहले से मोह चोरी जी। ये हमारा एक मिस चैम्बर है, काफ़ी ऑटोमेटिक है। इसमें आपको हर एक फैसिलिटी मिल जाएगी। प्लांट्स देखें, जो भी प्लांट है हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमारा देवदार है, उसको एक चिलिंग इफेक्ट चाहिए होता है, टेम्परेचर उतना चाहिए होता है। तो हमारे पुंछ में यहाँ पे टेम्परेचर स्नोफॉल उतना होता नहीं है। तो ये एक ऐसी हमारा मिस चैम्बर इतना ऑटोमेटिक है कि इसमें हम टेम्परेचर ऑटोमेटिकली सेट कर देते हैं। हर एक पौधा है जिसको जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो मिल जाती है। हमारे इसमें ACs लगे हैं, डिफॉगर लगा हुआ है साथ में, हम सनलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं इसमें। और इसमें इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि हमारा पौधा बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो इसको तैयार करके हम बाहर रखते हैं और यहाँ पे दूसरा बैच हमारा शुरू हो जाता है। तो प्रोडक्शन जो है हमारी, ये काफ़ी जो है इसकी तेज़ रहती है। ये सर कहीं देखें, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हमारा ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, ये पुंछ में इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, ये और कहीं पर इस तरह का है नहीं है। तो इस तरह का आपको मिस चैम्बर एक श्राइन बोर्ड की नर्सरीज में देखने को मिलेगा। तो दूसरा ये हमारे पुंछ में इस बार लगाया, एक हमने पॉलियोस पीछे लगाया और एक ये हमारा मिस चैम्बर है यहाँ। तो सर यहाँ पर हर किस्म का पौधा लग सकता है और इसमें सक्सेस रेट जो है बहुत हाई है और मेहनत बहुत कम है। इसमें AC भी सब कुछ जी, इसमें AC भी है, हीटर भी लगे हुए हैं। विंटर में जब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है तो इसमें ऑटोमेटिकली हमारे हीटर लगे हैं, तो इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहता है। समर हो या विंटर हो, हम इसमें टेम्परेचर अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, लाइट अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, हम जो इरिगेशन है वो अपने हिसाब से इसको इरिगेट कर सकते हैं प्लांट्स को।